अच्छा जी, आपके लिए एक सरप्राइज है, और सरप्राइज भी एक नहीं है, तीन तीन सरप्राइज है। अच्छा, तीन दिन के साथ भी गिफ्ट भी है, चार सरप्राइज हो गए हैं जी। बर्थडे पार्टी है लेकिन थ्री टाइम्स की गई है, हमने बनाया है एक ब्लॉग और आपके साथ। हाँ, इस दफ़ा सेलिब्रेशन थोड़ी कम हुई है, वैसे ज़्यादा होती है। अच्छा, ये देखें जी, अपना बर्थडे जो गिरा, क्या साल गिरा को कैसे मनाती है तीन तीन दफ़ा केक काट के। अच्छा जी, सबसे फर्स्ट हमारा जो ब्लॉग का स्टार्टिंग होने लगा है रात को 12 बजे, मतलब के डेट बताइए ना आप जरा। 28 दिसंबर को हम रात को 12 बजे भी सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे हो जाता है बर्थडे, मतलब बर्थडे गर्ल की बर्थडे स्टार्ट हो जाती है, तो उसी डेज में जितने भी बर्थडे केक कट जाए वो सब इसकी बर्थडे ही हो जाती है। हमने रात 12 बजे से अपने फैमिली सब प्लान बनाया है, हम जा रहे हैं कि सॉल्ट एंड पेपर लिबर्टी चौक पर, बड़ा मशहूर और बहुत ही पुराना और मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है। हाँ, तो हमने कहा क्योंकि इसकी बर्थडे है तो क्यों ना इसी की फेवरेट प्लेस पे जाया करें। यहाँ पे जाते ही एंट्री में हुई तो उन्हें कहा, एक हमने अपने मैगजीन के लिए फोटो लेनी और आपकी फैमिली की लेनी, क्योंकि दी हमें तो फोटो का पहले ही वो शौक है। हम सारी फटाफट खड़े हो गए, सारी फैमिली हम सज धज के आराम से खड़े हो गए, हमारी फोटो ली जाए। उनके कोई 38 ईयर्स इस तरह का कोई टाइम हो गया था, तो उसके लिए उनका मैगजीन कोई तैयार हो रहा था, उसके लिए उन्होंने ली थी। अच्छा जी, क्योंकि रात के 12 बज चुके थे, इनडोर्स तो वैसे ही ख़त्म हो जाता, लेकिन उन्होंने कहा चलो भाई इनका बर्थडे जो सेलिब्रेट करनी है, और बस हम ही थे जो लास्ट तक रुके थे, बाकी लोग मतलब 12 बजे ये बिल्कुल बंद कर देते हैं, वो 12 बजे बंद होना शुरू हो जाती है, लेकिन भाई ने कहा नहीं जी, हमने बर्थडे सेलिब्रेट करनी है, घर हमारे साथ आई है बर्थडे बच्ची कुछ ही। अच्छा जी, ये देखिए जी, हम आ गए हैं जल्दी जल्दी में, जल्दी जल्दी में हम बैठ जाएंगे और फिर जल्दी जल्दी में हम केक काटेंगे। मुझे तो फटाफट था कि मुझे गिफ्ट नजर आई, मेरे उनके हाथों में तो गिफ्ट नहीं था मेरे लिए, मैं परेशान थी कि एक गिफ्ट नहीं है, एक ही बहुत बड़ा गिफ्ट था। हाँ जी, एक ही इन्होंने धमाकेदार गिफ्ट दिया मुझे। इससे पहले इन्होंने कहा कि जी पहले ऑर्डर दे दो खाने का, ताकि हौसला हो जाए सबको, क्योंकि इनके पैसे बड़े लग चुके थे। ये देखिए जी, हम खाने का ऑर्डर दे रहे हैं, साथ में फिर आ गया केक जो था वो यम्मी था। अच्छा, हमने कहा चले जब तक आता है खाना क्यों ना बर्थडे सेलिब्रेट की जाए, और साथ में हौसला सा भी थोड़ा सा हो जाए, क्योंकि गिफ्ट मिलने वाला है, गिफ्ट मिलने वाला है। मैंने कहा लगता है, ये देखिए जी मेरे पास आके एक पैकेट पड़ा हुआ है गिफ्ट का, इसका मतलब उसमें कोई गिफ्ट है। और ये देखिए जी, हमारे बच्चे जो है वो कहते हैं जी हमें खिला दो, बर्थडे गर्ल को नहीं खिलाया। अच्छा जी, हमारी अपनी वीडियो स्किप नहीं करनी है, फुल वॉच करनी है, क्योंकि आगे बर्थडे अभी तो फर्स्ट पार्ट है, फिर सेकंड, फिर थर्ड। इस दफा सिर्फ 3 दफा हो गई है, घबराना नहीं आपको ज्यादा, ठीक है? फुल वीडियो वॉच कीजिए ना। सिर्फ मेरी 3 दफा केक कटी है, हमेशा मेरी 5 से 6 दफा होता है। ये देखिए जी गिफ्ट। अच्छा, मैंने जब ये बास्केट देखी ना, मैंने कहा लो जी चॉकलेटा दे दिया, मुझे पसंद है चॉकलेट, लेकिन इतनी भी नहीं पसंद है कि उन्होंने मुझे बर्थडे पे भी चॉकलेट दे दी थी। मैंने सोचा नहीं, गोल्ड का गिफ्ट दिया। अच्छा, इसके लिए बहुत सरप्राइज था। पता है मेरे बच्चे कह रहे थे कि अम्मा आपके साथ ना प्रैंक होने वाला है, आपके साथ प्रैंक हुआ है आपके साथ। अच्छा, मैंने ये देखा, मैंने वो शुरू किया कि वाओ मिला, तो आगे से ऐसा कहता है कि नहीं अम्मा जी ये खोल के तो देखे प्रैंक है। अच्छा, बच्चे ये कह रहे थे कि आपके साथ प्रैंक हो रहा है, लेकिन नहीं, ये सच में iPhone Pro 13 Max जो लेटेस्ट मोबाइल आया है वो वाला मुझे गिफ्ट दिया है जी मेरी फैमिली ने। इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे गिफ्ट्स मुझे देते रहा करें। हाँ, जैसे बड़ा जबरदस्त मोबाइल है, मैं पकड़। अच्छा, जब मैं खोल रही थी ना, तो मुझे था कि वाकई में बीमे से निकल लेना। जब बैंड पे मोबाइल लिखा ना, तो कहा कि नहीं ये प्रैंक नहीं है, सच में मुझे मोबाइल गिफ्ट मिला है, और ये बहुत एक्साइटेड थी। देखिए, खुशी भी होती है, इतना अच्छा मोबाइल है। अच्छा, मुझे तक बस मैं इसको देखती ही जाऊँ उस वक्त ना, ये कहीं खाना खा लो, खाना लगे, मैं कहीं नहीं मोबाइल देखने दो। अच्छा जी, यहाँ पे आ गया है हमारा खाना। खाना हमारा जैसे ही हम हो गया था रेडी, उसके बाद हमने आपको बताना है कि खाना हमने फैमिली के साथ खा के बाद में जब नेक्स्ट डे हमने एक ये था घर में एक फैमिली के साथ मतलब कि किया था, इसमें अब्बू जी हमारे नहीं गए थे, उन्होंने कहा नहीं इतनी रात को मैं नहीं कहीं जाऊँगा। और उसके बाद नेक्स्ट डे जो है वो मेरी सैलून्स में जो मेरी कोलीग्स हैं, मेरी स्टूडेंट्स हैं, मेरी फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनके साथ गेट टुगेदर है, और उसमें फिर मेरी फैमिली यानी कि भाभियाँ बच्चे और अम्मी वगैरह सब होते हैं। ये देखिए, लेकिन वो सिर्फ लेडीज़ का फंक्शन, लेडीज़ का था, उसमें जेंट्स नॉट अलाउड।
चले जी देखिए जी सेकंड केक सेकंड केक जो है वो रेडी हो रहा है क्योंकि वो स्पेशल था गैदरिंग का नहीं इसलिए बड़ा केक लिया था। हाँ, बड़ा केक था वो जो हमने लिया था अपनी फैमिली के लिए। अच्छा मैंने कभी भी ऑर्डर पे कोई केक नहीं रेडी करवाया, मैंने हमेशा ऐसे ही जाकर केक को ही पसंद करके और मैं वो लेकर जाती हूँ। ये देखिए अच्छा ये जो हमने किया था ये ओपन एक ओपन रेस्टोरेंट है वहाँ पे किया था तो वहाँ पे रात की जो लाइट थी उस हिसाब से ये देखिए इस तरह का आ रहा था कि रोमांटिक नाइट है। अच्छा नाइट है अच्छा ये है इनकी क्लीग्स और साथ में अम्मी खड़ी है और ठीक है इधर अभी आ जाएंगी। तो वहाँ पे केक रहा और हमने खाया था वहाँ पे भी डिनर ही था मतलब रात हो गई वो डिनर रात के टाइम पे होते हैं मतलब शाम के टाइम सब क्लीग्स आ गई थी सबका वो सैलून पे काम होती हैं सब अपने अपने सैलून रन करती हैं तो इसलिए हम फिर डिनर ही रखते हैं। ये देखिए वो कहती है हमारी वीडियो बना ली मैम की रहने दे खाने के गिफ्ट करने वाले हैं। अच्छा मैं गिफ्ट बेचारी संभालती फिर रही हूँ और ये लोग खाने पे लगे हुए हैं। अच्छा सर्दी थी ज़्यादा बहुत ज़्यादा ओपन था हीटर भी था पास लेकिन फिर भी सर्दी हाँ। थी लेकिन मज़ा आया हमें बहुत इंजॉय किया बच्चों ने भी हम सब ने इनकी क्लीग्स ने भी सब ये बहुत अच्छी इनकी क्लीग्स है बिल्कुल जैसे सिस्टर्स की तरह होती है ना इसी तरह से है वो अपने ये देखें वो आती हैं और विश भी करती हैं टाइम निकाल के अपना इतना कीमती वैसे कौन आता है अगर उन्हें ना भी बुलाया जाए ना तो वो कहती हैं कि हमने तो आना ही आना अच्छा, है आपकी मेरी पे। हर बर्थडे पे ये होता है कि मुझे कॉल्स आता शुरू हो जाती है कि जी आपकी बर्थडे का क्या प्लान है क्या प्लान है क्या चलें जी यहाँ पे हो रहे थे थोड़े से गिफ्ट ओपन और मैं आई थी लास्ट में मैंने कहा खैर जरा गिफ्ट भी तो दिखाएं ना अब जरा हम घर के अंदर आ गए थे क्योंकि बाहर तो अब हमने खाना खाना खा के हमने वापस आ गए चलो चाय वगैरह अंदर घर में पीते हैं वहाँ पे भी ग्रीन टी बनाई उसकी मैंने वीडियो नहीं दी हो वीडियो नहीं दी हो अच्छा वो आपने बनाई नहीं होगी। हाँ ये देखिए जी भाभी ने गोल गोल घुमा कर गिफ्ट दिखा दिया ये मेरा बहुत स्पेशल गिफ्ट है। अच्छा ये माशाल्लाह मुझे मेरी एक स्टूडेंट ने बहुत प्यारी उसकी माशाल्लाह से शादी हो गई अल्लाह पाक उसको खुश रखे ये उसने मुझे बहुत प्यारा गिफ्ट दिया। लेकिन उसके टू डेज बाद ही शादी थी बर्थडे से ना बर्थडे से टू डेज में वन वीक के बाद हमने व्लॉग लेट लगाया हमने आपने मेरा व्लॉग बहुत लेट लगाया मैंने बहुत ही कटे हाँ मैंने थोड़ा लेट हो गया। ये देखिए अच्छा माँ तो माँ बेटी भी आगे से वीडियो बना रही है बेटी का मोबाइल नजर आ रहा था हम सब मिलके ये देखिए। अच्छा जी गिफ्ट ओपनिंग के बाद है थर्ड बर्थडे और वो आपने स्किप नहीं करनी लास्ट में देखने का उसमें हमारी वॉइस नहीं होगी जो मतलब अनाउंस कर रहा ना हाँ, उसी की वॉइस उसी की वॉइस नहीं हाँ बिल्कुल क्योंकि वो बहुत अच्छे हमारे होस्ट हैं और वो मेरी तकरीबन सारी स्टूडेंट्स और कोलीग्स वगैरह सब वहाँ पर थे और बहुत अच्छी वो उन्होंने मेरे कॉलेज है ना आपका नहीं वो मेरा कॉलेज नहीं भाभी वो फ्लैटी होटल में हमारा इवेंट था वहाँ पर उन्होंने मेरा बर्थडे केक कट किया था जबरदस्त उन्होंने कहा था कि जी आपने आना है मुझे एज अ गेस्ट वहाँ पे इनवाइट किया गया था तो भी मैं जब वहाँ गई तो मुझे पता चला कि मेरा बेट केक कटिंग भी हो रही है बर्थडे की जबरदस्त। ये देखिए जी स्टाइलो की तरफ से भी मुझे गिफ्ट आया था को भी पता था इसकी बर्थडे है तो उन्होंने शूज ही भेजे और अब कैश में भी काफी इसके दिए थे फैमिली फ्रेंड ने सबने सारे दिखाए पिछली दफा मैंने सारे दिखाए थे तो सबने कहा था इतने तुम्हारे पास पैसे इकट्ठे हुए फैमिली में पता चल गया था कि कितने पैसे आए हैं पैसे जमा कर रही हूँ। अच्छा जी आप हमें अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा अल्लाह पाक सबको ऐसी खुशियाँ दे सबके नसीब अच्छे करें अल्लाह पाक सबको ऐसी फैमिली भी दे जो हंसती खेलती और ऐसी इंजॉय करते रहती हैं सारी दुनिया तो हम लोग फेंकते रहते हैं हेलो पीछे जी बिल्कुल और फ्रॉम मैडम शफ़क टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू थैंक यू मैडम